नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं tuple.com। 2030 का भारत, छठवां लक्ष्य यानी स्वच्छ जल तथा स्वच्छता। पृथ्वी की सतह के 70% हिस्से में पानी है, जिसमें से 97% खारा और मात्र 3% पानी जो है वो पीने योग्य है। स्वच्छ पेयजल यानी पीने योग्य पानी मानव जीवन के लिए आवश्यक है, हम सभी जानते हैं। सौभाग्य से हमारे पास समुद्र, नदी, महासागर और बारिश सहित पानी के कई स्रोत हैं, लेकिन मानवीय लापरवाही के कारण पृथ्वी पर मौजूद पानी प्रति क्षण दूषित हो रहा है। भारत में 7.6 करोड़ की आबादी को स्वच्छ जल सहज उपलब्ध नहीं है, जो पूरी दुनिया में देशों में स्वच्छ जल से वंचित रहने वाले लोगों की सर्वाधिक आबादी है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों ने इस आपदा के और गंभीर होने की आशंका जताई है, क्योंकि भारत में 73% भूमिगत जल का दोहन किया जा चुका है, जिसका मतलब है कि हमने भरण क्षमता से अधिक जल का उपयोग कर लिया है। स्वच्छ जल के सबसे बड़े स्रोत छोटी नदियां और जलधाराएं सूख चुकी हैं, जबकि बड़ी नदियां प्रदूषण से जूझ रही हैं। इन सबके बावजूद हम कुल बारिश का सिर्फ 12% जल ही संरक्षित कर पाते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि हर वर्ष लाखों लोगों और बच्चों की मौत अपर्याप्त जल आपूर्ति, स्वच्छता व साफ सफाई के कारण उत्पन्न बीमारियों से होती है। नदियों के किनारे बसे शहरों की स्थिति तो और भी बदतर है। इन नदियों में कल कारखानों तथा स्थानीय निकायों द्वारा फेंका गया रासायनिक कचरा, मल मूत्र और अन्य अवशिष्ट उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। इन नदियों के जल का उपयोग करने वाले लोग कई गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं। इससे बचने के लिए लोगों को नदियों को दूषित होने से बचाना होगा। कल कारखानों के मालिकों को इसके लिए बाध्य करना होगा कि वे प्रदूषण और रासायनिक पदार्थों को नदियों में कतई न डालें। यदि कोई ऐसा करता पाया जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाए। जब तक हम जल की महत्ता को नहीं समझेंगे और ना ही लोगों को समझाएंगे, नदियों को साफ नहीं रखेंगे या इस तरीके की मुहिम नहीं चलाएंगे, तब तक नदियों को कोई भी सरकार साफ नहीं कर पाएगी। सरकार स्वच्छ भारत अभियान से मिले जनता के भरपूर समर्थन के समान ही स्वच्छ जल लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर सकती है। 2030 के भारत के सतत विकास के विभिन्न लक्ष्यों में से एक लक्ष्य स्वच्छ जल तथा स्वच्छता भी है। स्वच्छता में सुधार करना भारत सरकार की एक सराहनीय पहल है और इस दिशा में उसने अनेकों प्रमुख अभियान भी शुरू किए हैं, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शामिल है। इन अभियानों के तहत भारत में वर्ष 2030 तक नदियों तथा अन्य सभी जल स्रोतों का जल शुद्ध हो जाएगा। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान नए आयाम को छुएगा। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि 2030 का जो लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनको सफल बनाने में हम आम नागरिकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तभी हम 2030 तक जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण की उम्मीद कर सकते हैं। 2030 का भारत सीरीज में 7वां हिस्सा जल्द ही देखें जल tuple.com पर। धन्यवाद।